नमस्कार। पिछले कुछ सालों से दिल्ली में यही आलम है। हर साल नवंबर की शुरुआत से दिल्ली और नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर हिस्सा वायु प्रदूषण की चुनौतियों का सामना करता है। इस साल भी वही हो रहा है। यही नहीं बल्कि अक्टूबर के अंत में मुंबई में बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने सुर्खियां बटोर ली। फिर नवंबर की शुरुआत में दिवाली से पहले दिल्ली की फिजा खराब हो गई। अब लोगों की सेहत पर प्रदूषण के बढ़ते नकारात्मक प्रभाव को आसानी से जाना और पहचाना गया है। AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसे मुश्किल शब्दों को भी अब हर आदमी जानता है। बावजूद इसके लोगों के बीच इससे जुड़ी हुई अवेयरनेस में कोई बदलाव नहीं आया। रेस्पिरेटरी इश्यू से जूझ रहे लोगों के लिए ये पॉल्यूशन गंभीर खतरा पैदा करता है। ये ना सिर्फ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर बल्कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के लिए भी मुख्य कारण बनता है। जहां एक तरफ पॉल्यूशन बढ़ने से मास्क व्यापारियों, मेडिकल सेक्टर और डॉक्टर के लिए ये समय मुनाफे का समय होता है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते पॉल्यूशन से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचता है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी की माने तो एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली मौतों और बीमारी का बोझ बढ़ने से ज्यादातर नुकसान उत्पादन को होता है। 2024 तक भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद पर यह आंकड़ा पानी फेर सकता है। इस मुद्दे पर देश को हर साल औसतन $150 बिलियन का नुकसान होता है। इसके अलग अलग कारणों को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कारण नंबर एक, हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है वैसे वैसे इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ना शुरू हो जाता है। अस्थमा, मधुमेह या पुरानी सांस की बीमारियों की बढ़ती दर के कारण ना सिर्फ लोगों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है बल्कि श्रम बल में भागीदारी दर भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ अस्थमा के दौरे के प्रति संवेदनशील बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। जबकि स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के कारण उनके पेरेंट्स को भी काम से ज्यादा समय तक ऑफ लेना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की माने तो बीमारियों के कारण अर्थव्यवस्था को $100 अरब का नुकसान होता है। दूसरा कारण है हालात खराब हो जाने से कई तरह के कंस्ट्रक्शन काम जो होते हैं वो बंद करने की नौबत आ जाती है, जिससे श्रमिकों की काम पर अनुपस्थिति बढ़ जाती है। ये ना सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति पर असर डालता है बल्कि इससे उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि काम के घंटों की बर्बादी के कारण सन 2030 तक भारत की GDP को 4.5% का जोखिम उठाना पड़ सकता है। तीसरा कारण है प्रदूषण के कारण वातावरण में फॉग और पॉल्यूशन से जो स्मॉग बनता है वो इतना बढ़ जाता है जिससे फ्लाइट और ट्रेन को भी कभी कभी डाइवर्ट करने की नौबत आ जाती है। इससे टूरिस्ट की संख्या घटने लगती है। इसका असर लोगों के काम और उनकी मीटिंग्स पर भी देखने को मिलता है। चौथा और आखिरी कारण ये कि इसका असर वैश्विक रूप से भी देखने को मिलता है। भारत और ऐसे अन्य विकासशील देशों पर हमेशा से ही डेवलप कंट्रीज ये आरोप लगाती रही हैं कि उनके द्वारा कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में वायु प्रदूषण में होने वाली लगातार वृद्धि से उत्पादन पर रोक लगानी पड़ती है और बिजली उत्पादन जैसे जरूरी काम भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से इस चुनौती से निपटने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत सी समझ विकसित हुई है। ज्यादातर भारतीय शहरों और राज्यों जैसे दिल्ली में एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिसे लागू भी किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर हमें बहुत कम दिखने को मिलता है। जो कुछ भी करने की जरूरत है वो बस इतनी सी कि समस्या के सर पर चढ़ जाने के समय किया गया कोई भी काम कारगर नहीं होता। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने की जरूरत है ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके और उसका निपटारा किया जा सके। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।